क्वेश्चन नंबर 30, टू मासेस ऑफ 10 केजी एंड 20 केजी रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय द मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर. अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्ट ऑन द 20 केजी मास. एट द इंस्टेंट शोन द 10 केजी मास हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइटवर्ड. ठीक, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 केजी मास. ठीक, तो हमें क्या दिया गया है कि जब ये सिचुएशन है तो 10 केजी ब्लॉक का जो है एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरफ है, तो इसका एक्सेलरेशन ए बना लेते हैं. ये कितना है, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस इंस्टेंट पर, और इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स. तो मैं यहाँ स्प्रिंग फोर्स बना देता हूँ fs. ये स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, जितना स्प्रिंग फोर्स इस पर लग रहा है उतना स्प्रिंग फोर्स इस पर भी लग रहा होगा fs. ठीक, और एक फोर्स जो है वो 200 न्यूटन का इस ब्लॉक बी पर लग रहा है, तो इसको नाम ए दे देते हैं, इसको नाम बी दे, और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं इस तरफ है ए नॉट. क्लियर, क्या बोल रहे हैं कि 10 केजी मास का जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है राइटवर्ड डायरेक्शन में, उस मोमेंट पर जो है वो 20 केजी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमें बताना है, यानी कि ए नॉट हमसे पूछा गया है. ठीक, तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, एफ एस निकालना. अगर हमें एफ एस निकाल लिए, यानी कि स्प्रिंग फोर्स अगर हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो इस ब्लॉक के ऊपर बी के ऊपर 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में राइटवर्ड, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है लेफ्टवर्ड. अगर इन दोनों का नेट सम हम लोग वेक्टर सम कर दें तो नेट फोर्स आ जाएगा, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन हम लोग लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हमें एफ एस ही कैलकुलेट करना है. तो एफ एस कैलकुलेट करने के लिए हम ब्लॉक ए का यूज करने वाले हैं. तो ब्लॉक ए पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, वो है एफ एस. तो ब्लॉक बी के लिए अगर हम बात सॉरी ब्लॉक ए के लिए अगर हम बात करें तो एफ एस इज इक्वल टू एम ए इंटू ए. तो एफ एस इज इक्वल टू मास कितना है इसका 10 के जी, ये हो जाएगा 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 4. तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग कितना आ जाएगा 40 न्यूटन. तो 40 न्यूटन का फोर्स जो है वो स्प्रिंग ब्लॉक ए पर लगा रही होगी, तो 40 न्यूटन का ही स्प्रिंग ब्लॉक बी पर भी फोर्स लगा रही होगी, क्योंकि स्प्रिंग इस तरीके से फोर्स लगाएगी, इसको भी अपनी तरफ खींचेगी और इसको भी अपनी तरफ खींचेगी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन नेचुरल लेंथ. ठीक, तो क्या होगा अगर मैं बी के बारे में बात करूं, तो बी के बारे में 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है माइनस ऑफ फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू ए नॉट लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 200 माइनस 40 इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है इसका, इसका मास दिया हुआ है 20 केजी. ये हो जाएगा ए नॉट, तो ये हो जाएगा 160 इज इक्वल टू 20 ए नॉट. तो ए नॉट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कितना आ गया ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो बी ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा होगा इस सिचुएशन में, जब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ये कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को ब्रेक करके सबसे पहले एफ एस निकाला, और एफ एस निकाल करके हमने ब्लॉक बी का यूज करते हुए एक्सेलरेशन निकाल लिया ब्लॉक बी का. ठीक है, तो इस एबिलिटी का हमने अच्छे से यूज किया. ठीक, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस फॉर दिस डीपीपी, और अब हम अगली डीपीपी में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.